हेलो गाइस, तो अभी जिम चलेंगे। जिम जाने का टाइम हो गया है। ठीक है, तो पैदल जाऊंगा मैं जिम। बाय बाय बाय। तो पैदल चलना यार वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि बेसिक एक्सरसाइज है, बट ये काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आप बार बार करते हो तो आप काफ़ी किलोमीटर्स कवर कर सकते हो। और एक सिंपल चीज़ है जो आप कहीं भी नहीं कहीं भी कर सकते हो, और कुछ इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए आपको इसके लिए। हमेशा गाइस मैं जिम पैदल ही जाता हूँ, क्योंकि वार्म अप भी हो जाता है। वो आजकल क्या है, सबके पास टू व्हीलर्स है तो कन्वीनियंट लगता है टू व्हीलर उठाना, बट अगर आप अपने लेग्स यूज़ करोगे तो यू विल बर्न कैलोरीज और ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमेशा मैं पैदल ही निकलता हूँ, और कभी जैसे कुछ बुक या कुछ चला लिया अपने हेडफोन्स पे, या आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, डिपेंड करता है। मोस्टली तो मैं बुक चला लेता हूँ जब मैं वॉक करता हूँ। तो पहुँचते हैं, अभी 10 मिनट लगेगी, फिर मिलते हैं। सो गाइस, पहुँच गए जिम पे। तो चलो, ये जिम है, जिम में हम पहुँच गए। और ये सागर भाई है। सागर भाई हटाओ, हाउ आर यू? तो सागर भाई जिम ट्रेनर है यहाँ पे, और टेक केयर करते हैं पूरे जिम का। तो ठंड लग रही है आपको सागर भाई? भाई ठंड कहाँ है, ठंड नहीं है जिम में, कभी ठंड नहीं होती। तो गाइस करते हैं आज वर्कआउट करते हैं गाइस। तो गाइस वर्कआउट ओवर हो गया है, अब जा रहे घर, और आपको दिखाता हूँ ये फॉग कैसी हो। अभी इवनिंग में 8 बजे, और अभी से आप देख सकते हो फॉग फॉग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो हम हैं बसई रोड पे, वर्ल्ड जिम नाम है जो जिसमें जाता हूँ। तो यहाँ पे आके हम मचाते हैं गाइस। अब पहुँचते हैं आगे घर की तरफ, और एज यू नो पैदल चलेंगे, क्योंकि पैदल इज़ द बेस्ट वे। वॉकिंग इतनी बढ़िया चीज़ है ना, कि पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं। लोग इतने बिजी है अपनी गाड़ियों के साथ, अपनी टू व्हीलर्स के साथ, कि पैदल ही नहीं चलना चाहते। यार पैदल चलना तो अपनी बेसिक चीज़ है। अपने एंसेस्टर्स कितना पैदल चलते थे आपको पता है? उनके पास कुछ था ही नहीं ना, उनके पास ना गाड़ी थी ना कुछ बाइक थी कहीं जाने की। जाना है तो अपने दो पैर है, तो अपने दो पैर सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यूज़ देम। एज यू नो वी रस्ट आउट बिफोर वी वेयर आउट, तो रस्ट मत होने दो गाइस। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर। सो गाइस एक फनी थिंग हो गई, अभी मैं अपना जैकेट ही भूल गया जिम में, तो आधे रास्ते पहुँच गया था, वापस आना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ द जैकेट। बट फाइनली मेरे को याद आ गया, और मैंने जैकेट ले लिया, और अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ फॉर द सेकेंड टाइम।